So class first, today we start our chapter number 11 in English literature. John is ready for school. In this chapter we shall learn about John who is very anxious to go to school. John के बारे में हम पढ़ेंगे इस chapter में, जो अपने school जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है. Today John is very happy. He is going to school. It is his first day in class first. He has packed his school bag himself. His school bag is in blue color. आज जॉन बहुत खुश है, वो स्कूल जा रहा है, उसका पहला दिन है स्कूल में और वो क्लास फर्स्ट में है. उसने अपना बैग खुद से, स्कूल बैग खुद से पैक किया है और उसका स्कूल बैग ब्लू कलर का है. जॉन हैज पुट टू पेंसिल्स, वन इरेजर एंड अ रूलर इन हिज पेंसिल बॉक्स. ही हैज ऑल्सो पुट अ पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स. जॉन ने टू पेंसिल्स रखी हैं, वन इरेजर रखा है और एक रूलर यानी कि स्केल रखी है अपने पेंसिल बॉक्स में, और उसने एक पैकेट रखा है क्रेयॉन्स का. क्रेयॉन मतलब जो आप कलर यूज करते हैं वो. ही हैज केप्ट ऑल द बुक्स नीटली इन हिज बैग. उसने अपने सारी बुक्स अपने बैग में बहुत ही कायदे से रखी हैं. हिज मदर हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हिज लंच बॉक्स एंड अ बॉटल ऑफ वाटर. उनकी मदर ने, उसकी माँ ने उसके लिए जो लंच बॉक्स है वो पहले से प्रिपेयर कर दिया है और उसकी वाटर बॉटल दे कर दिए. मे आई गो टू स्कूल बाय बस, ही आस्क हिज मदर. नो माई डियर, योर फादर विल ड्रॉप यू बाय कार टूडे. ही विल ऑल्सो पिकअप यू टूडे आफ्टर स्कूल. यू मे गो बाय बस आफ्टर टू डेज. जॉन इज लिटिल बिट अनहैप्पी. उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं आज स्कूल अपने स्कूल बस से जाऊंगा, तो उनकी माँ ने कहा नहीं, आज तो मैं तुम्हारे फादर स्कूल ड्रॉप करेंगे, मतलब स्कूल पहुंचाएंगे और वहां से लेने भी आएंगे. तुम स्कूल दो दिन बाद स्कूल बस से जाना. तो इस बात को सुन करके जॉन थोड़ा सा नाखुश हुआ. ही लुक्स एट हिज फादर एंशियसली. ही इज सर्चिंग फॉर द कार्स कीज. जॉन फाइंड द की लाइंग ऑन द डाइनिंग टेबल. ही पिक्स देम अप एंड गिव देम टू हिज फादर. वो थोड़ा सा, वो अपने फादर को एकदम ध्यान से देख रहा था. वो अपनी कार की, उसके फादर जो है अपनी कार की कीज को ढूंढ रहे थे. जॉन को वो डाइनिंग टेबल पे मिली, उसने वहां से उठाई और अपने फादर को दे दी. फादर सेज थैंक यू जॉन. फादर ने कहा थैंक यू जॉन. मदर इज सर्विंग ब्रेकफास्ट टू हिज ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंडमदर. तो उसकी माँ उसके ग्रैंडफादर यानी कि दादा को और ग्रैंडमदर को ब्रेकफास्ट दे रही थी. जॉन बिड्स गुड बाय टू ऑल ऑफ देम. बाय जॉन, हैव अ नाइस डे इन स्कूल. जॉन ने सबको गुड बाय कहा और उन लोगों ने भी रिप्लाई में कहा बाय जॉन, तुम्हारा स्कूल में दिन अच्छा हो. दे फॉलो हिम आउट ऑफ द हाउस, दे वेव बैक टू हिम. और फिर वो लोग बाहर तक उसको छोड़ने आए और उन्होंने हाथ हिला करके उसको जाने का कहा. तो ये आपका चैप्टर था. ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं जो भी आपको करनी है.